नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपने राजनीति में हिंदू मुस्लिम खेल तो बहुत देखा होगा, लेकिन आइए आज हम आपको हिंदू हिंदू खेल दिखाते हैं। दोस्तों, चुनाव के अंदर जब सत्तारूढ़ पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो जनता की बुनियादी समस्याओं से नजर हटाने के लिए अक्सर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। उत्तर प्रदेश में 2080 से इसकी शुरुआत हुई थी, मगर आगे चलकर भाजपा के बागी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कह दिया कि 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। इसी के साथ पूरी बाजी उलट गई और ये खेल हिंदू मुस्लिम के बजाय हिंदू हिंदू हो गया। भाजपा को चाहिए था कि वो चुनाव को इस ओर जाने से रोकती, परंतु उसने आग में घी डाल दिया। और ये मूर्खता कैसे की गई, इसका एक उदाहरण हम भाजपा के विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह की इस वीडियो में देखें। बताए तो जान ले, यह गांव का जवान हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़त बा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हराम खोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलता था। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना, रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने वीडियो में साफ कहा कि मुझे बताएं क्या मुसलमान मुझे वोट देगा। इसलिए जान लें कि अगर इस गांव के हिंदू किसी दूसरी पार्टी का साथ देते हैं तो उनकी रगों में मुसलमानों का खून होगा। वो गद्दार हैं। इतने अत्याचार सहने के बाद भी अगर कोई हिंदू दूसरी तरफ देखता है तो उसे जनता में अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वोटर्स को धमकी देते हुए कहा, अगर इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं सबको बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है। मैं अपना अपमान और धोखा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा जो हिंदू बिरादरी हिंदू समाज का अपमान करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं, मुसलमानों सुन लो, अगर किसी हिंदू का अपमान किया गया और अगर तुमने किसी हिंदू लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तुम्हें इतना मारूंगा और इतनी जगह से काटूंगा कि इसके आगे जो उन्होंने कहा वो शब्द जो है वो जय श्री राम की जय घोष में गुम होकर रह गए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा होगा। प्रताप सिंह जो है वो हिंदू वाहिनी के इंचार्ज भी हैं, उसी हिंदू वाहिनी के जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2002 में स्थापित किया था। योगेंद्र प्रताप ने ये बयान डुमरियागंज में दिया, जहां लगभग 1,73,000 मुस्लिम मतदाता हैं और ये वोटर्स की संख्या का तकरीबन 40% है, यानी 39.8%। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि ये मुसलमान समाज अपने बल पर एक उम्मीदवार को जिता सकता है। इसके बावजूद ये प्रताप सिंह जा करके इस तरह की ऊटपटांग बातें करके चले आए। मुसलमानों ने इसका जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो वो उसे काट नहीं सकता। परंतु आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसका क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं अपने घर पर सुल्तानपुर में हूं और कल रात से एक बयान सुनकर पीड़ित हूं, दुखी हूं। देश के करोड़ों हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम गाली दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी आपसे,
मैं पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी आपसे, आपका ये विधायक इस प्रकार के बयान दे रहा है और अब तक आप खामोश हैं करोड़ों हिंदुओं के अपमान पर, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हम अपने मां बाप की नाजायज औलाद हो गए? भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान, हमें अपने मर्जी से वोट देने का अधिकार देता है। देश का निर्वाचन आयोग हमें अपने मर्जी से वोट देने का अधिकार देता है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद हो जाएगा, वो मुसलमान की औलाद हो जाएगा, वो गद्दार हो जाएगा, और आगे का शब्द तो बोल ही नहीं सकता मैं, हराम हराम, इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं? मैं भारत के निर्वाचन आयोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि कोई भी मतदाता अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। हाँ, तो दोस्तों संजय सिंह ने इसका इतना सविस्तार जवाब दिया और इतना ठहर ठहर कर जो है वो कहा कि इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सत्ता के नशे में मस्त किस प्रकार भाजपा हिंदुओं का अपमान कर रही है, परंतु रघुवेंद्र प्रताप जैसे लोगों के भड़काऊ वक्तव्यों की वजह से पांचवें चरण से इस चुनाव में हिंसा शुरू हो गई, और हम ये देखते हैं कि पांचवें चरण के चुनाव से पहले और बाद में कई जगहों पर जो है वो भाजपा वालों ने सपा के ऊपर हमला कर दिया और दूसरे पक्षों के ऊपर हमला कर दिया। ये दरअसल उनकी बौखलाहट का एक खुला प्रमाण है। अब छठे चरण का चुनाव बाकी है और ये चुनाव जो है वो पूर्वांचल में हो रहा है जहां पिछड़ों की बहुत बड़ी जनसंख्या मौजूद है। तो वहां पर भाजपा वालों ने क्या किया? वही किया जो इस तरह के भड़काऊ वक्तव्यों का नतीजा निकलता है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्या के रोड शो पर हमला करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि भाजपा वाले पूरे विश्व में बल्कि पूरे प्रदेश में न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था का नाम लेकर वोट मांगते हैं और खुद ही जो है उस कानून व्यवस्था को अपने पैरों तले रोंदते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्या ने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसको सुनते चले। स्वाभाविक रूप से वो हमला हमारे ऊपर ही जान के किया गया, लेकिन चूंकि आज सुरक्षा के लिहाज से मैं अपनी गाड़ी में न बैठ करके एक दूसरी गाड़ी जिसमें मैं कभी नहीं बैठता हूँ वो काले रंग की थी उसमें बैठ गया था, और वो मेरा नंबर गाड़ी का 5000 जग जाहिर है, इसलिए उन्होंने 5000 नंबर की गाड़ी पर हमला किया, पूरी तरह तोड़ दिया, मेरे ड्राइवर के कान फट करके उसका कुछ हिस्सा बाहर भी हो गया, और साथ ही साथ हम समझते हैं इस प्रकार की जो कृत्य है भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है सुनियो जी? तो आपने देखा कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जो के भाजपा के मंत्री थे और 5 साल तक वो मंत्री रहे, उनके साथ जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये सुलूक किया, लेकिन अपने लोगों को समझाने के बजाय डांट कर रोकने के बजाय भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने उल्टा चोर कोतवाल की भांति क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। सही बात यह है कि वह हार से घबरा गया है और अपने साथ में जितनी भी गाड़ियां लेके चल रहा है सब गाड़ियां बाहरी नंबर की हैं, 5000 नंबर की हैं, 32 की हैं, 80 नंबर की गाड़ियां हैं वो, और सारे बाहरी गुंडे लेके घूम रहा है वो। काफिला हम लोगों का बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोग की काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं, एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो, उसको उसके लोगों को उसके गुंडों को
कि फाइजर विधानसभा जो है शांतिप्रिय विधानसभा है, वो आकर के जो माहौल बनाया है इसकी सजा उसको मिले। तो आप ये देखें कि गाड़ियां तो सपा की टूटी, लेकिन ये जो कुशवाहा साहब है ये उल्टा इल्जाम जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्या पे लगा रहे हैं। असल में भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्या पे हाथ डाल के जो है वो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता का अपमान किया है, और इसलिए उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्या कोई छोटे मोटे तटपंजू लीडर नहीं है, वो 20 साल तक बीएसपी में नंबर दो पोजीशन पर रहे। उसके बाद जब वो भाजप में आए तो भाजप ने उनको जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उनको जो है मंत्री बनाया। उनकी बेटी संगप्रिया जो है वो भाजप की सांसद है। जब उसको पता चला कि उनके पिताश्री पर हमला हुआ है तो वो फौरन वहां पहुंची। और आप ये देखिए कि भाजप वालों ने खुद अपनी पार्टी के सांसद के साथ भी धक्का मुक्की की, उनके साथ भी अपमान किया, और इसका नतीजा ये निकला कि अब तक जो संगप्रिय खामोश थी अब वो खुलकर अपने पिताश्री के समर्थन में आ चुकी है। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए अब ये लड़ाई पूरी तरह हिंदू मुस्लिम से हटकर हिंदू हिंदू हो गई है। और योगी का वो जो समीकरण था 20-80 वाला, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब ये जो लड़ाई चल रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा और 10 मार्च को चुनाव का क्या परिणाम आएगा, इसके लिए तो हमें और आपको 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त तक जो सूरत हाल दिखाई देती है वो जो है वो भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगे हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।